प्लास्टिक की पैकिंग, क्योंकि ये तो बहुत केवल मेरे हेल्थ के लिए नहीं, दवाई खासकर मैं कई बार सोचती हूँ आपकी आंख की दवाई, अब वो भी प्लास्टिक की शीशी में, पहले हमारे बचपन में सब शीशी शीशियाँ शीशे की होती थी, और ये प्लास्टिक तो जहर है, अगर ये पानी भी हम पी रहे हैं प्लास्टिक की बॉटल में तो कुछ अंश जाते ही हैं, ये तो स्टडीज भी हो चुकी ठीक है। बात है, तो आपको ये लीड तो लेनी ही पड़ेगी कि प्लास्टिक का विकल्प दीजिए, क्योंकि ये ग्लोबली, अच्छा बताओ सारे विकल्प मेरे से करवाओगी? हाँ, क्योंकि आप में सामर्थ्य है, और आप जब करें, देखिए इसकी मार्केटिंग मार्केट भी देखिए ना, ग्लोबली किसी के पास अभी नहीं, उन्होंने ढूंढा, यदि आपने ये कर दिया तो आप सोचिए इसका कितना मार्केटिंग में। पिछले 10 सालों में मैं खूब बच्चों से मिला हूँ जिन्होंने प्लास्टिक की थैलियाँ बनाई, किससे बनाई, आलू से, साबूदाना से, और अब मैंने उस मेरे पास देखा है कि समझो हम इसको पेटेंट कराएंगे और आप इसको मार्केटिंग करो, आप भी इस्तेमाल करो, मैंने कहा बेटा लाओ। लेकिन अब वो बेचारे बच्चे लेके आते हैं, मैं उसको उठा के देखा 5 किलो सामान आ रहा, ठक टूट गई, 2 किलो वो नहीं, नहीं, एक सुनो मैं अभी आप बात सुनो तो अभी अगले जो है मैंने इसके ऊपर आदरणीय गडकरी जी इसमें बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, नए नए इनोवेशन में उनका और दिमाग भी बहुत चलता है उनका, बहुत भारतीयता की सोच से अनुप्राणित है पूरी तरह से, बड़ी खुशी होती है उनको MNCs के खिलाफ कोई खड़ा आया तो, और नए विकल्प देने में भी नए नए इनोवेशन करते रहते हैं, एग्रीकल्चर में भी खूब करते हो। उन्होंने भी मेरे को बहुत लोगों के नाम दिए, स्वामी जी ये कपड़ा बना रहा है, ये जो ये 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 प्लास्टिक की शीशी बना रहा है, ये बोतल बना रहा है, दूध के लिए प्रयोग करो, दवाइयों के लिए प्रयोग करो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है, अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, इंडिविजुअल जो रिसर्च कर रहे हैं उनसे लेकर के इंडस्ट्रियल रिसर्च कर रहे हैं उन तक, मुझे अभी तक कोई ऐसा विकल्प नहीं मिला जिससे कि 9 महीने तक, अब जैसे हम टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराते हैं तो यद्यपि उसका जो मटेरियल है वो पेपर से मिलता जुलता है, फिर भी थोड़ा तो प्लास्टिक का अंश होता है उसके अंदर, ठीक है, पेपर और प्लास्टिक मिला करके टेट्रा पैक बनाते हो, लेकिन प्योर जिसको मैं ऑर्गेनिक कह सकूँ या नेचुरल कह सकूँ, विदाउट प्लास्टिक कह सकूँ, विदाउट केमिकल कह सकूँ जो है, और मैं तो केमिकल्स के खिलाफ की मुहिम वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे तो उसका कोई विकल्प तो नहीं मिला ना। शीशा अब टूटेगा, शीशे में, अब देखो मैं कांच की बोतल में मैं दूध देता हूँ तो 5 से 10% तो पहुँचने से पहले टूट जाएगा, दूसरा उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तीसरा उसका पैकेजिंग कॉस्ट, जो एक पैकिंग का कम से कम 10 रुपये तो बोतल का लग जाएगा, ये मिलगी मानी 2 रुपये की, वो मिली 10 रुपये की, तो लोगों को 10 गुना आप पैकेजिंग के वापस आती है ना बोतल, अरे बोतलें वापस, पहले DMS दिल्ली मिल्क सप्लाई यही करती थी, लेकिन अब तो नहीं हो रहा ना, अभी इंडस्ट्री में, चलिए दवाई तो अभी मैं दवाई में अब बात करता हूँ, देखो अभी जैसे भस्मे हैं, पिस्टे हैं, जो सूखी दवाइयां हैं, जो गोलियां हैं, अब आप कहेंगे कि नेचर को तो नुकसान हो रहा है, तो मान रहा हूँ उस चीज को, मैं कोई कोई कुतर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि प्राकृतिक विकल्प सर्वश्रेष्ठ हैं, पहले सारी दवाइयां भी जो है आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कांच की बोतल में आती थी, अभी इंडस्ट्री ने प्लास्टिक में कर दी, अब मैं यदि उसकी बढ़ाता हूँ तो 10 से 20 गुना कॉस्ट तो पैकेजिंग से बढ़ जाएगी, 10 से 20% अब 10 से 20% भी लोग देने के लिए तैयार नहीं, वो तो कहते और नीचे लाओ, तो अब एक एक और किसी किसी चीज में हो सकता है, अब जैसे मान लीजिए मैंने जो है कांच की बोतल में सरसों का तेल दिया, अब इसकी सारी कॉस्ट टोटल मिलाकर के मेरी उसकी बोतल की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन में जो उसका अतिरिक्त भार और उसका डैमेज, वो सब कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 25% कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, लोग देने के लिए तैयार नहीं, एक भी। और दूसरी बात, अभी तक विकल्प भी तो नहीं आया, चलो मैं लोगों को कन्विंस भी कर लूँ, लोगों से 10-20% ज़्यादा भी कॉस्ट ले लें, किसी किसी में, समय नहीं बढ़ेगी, किसी में हो सकता है 2-3 तो विकल्प है ना, शीशा तो बहन जी विकल्प मैंने बताया ना, उसकी उपलब्धता, उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसकी कॉस्ट, ये देखो एक होता है, एक होता है प्राकृतिक सत्य, एक होता है उसका वायबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी जब तक किसी चीज में नहीं आएगी, और रिसर्च भी देखो कांच तो अभी विकल्प नहीं हो सकता सब चीजों का, देखो सीधी सी बात है,
प्लास्टिक जैसा कोई विकल्प जो उससे उससे बेहतर विकल्प हो, और चलो महंगे मुझसे 10-20% महंगा हो, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने कितने लोगों से मीटिंग्स की, इसमें कुछ नहीं करने को राजी। वैसे प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक ये, स्वच्छ भारत सब कुछ चल रहा है, बकवास।